મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય ભણવાના છે યાદાયાત વિષય પાઠ 1 યાદાયાત વિષય છે હિન્દી ભાગ છે પહેલો પેજ નંબર છે 1 બરાબર ધોરણ 5 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 1 યાદાયાત અને ભાગ છે આપણો પહેલો તો આ ચિત્ર નિહાળો બધા બાળમિત્રો તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 1 પર કઈ ચિત્ર છે તો બધા યાત્રાના સાધનો દેખાય છે એટલે મુસાફરીના સાધન દેખાય છે તો આપણે હિન્દીમાં એની સૂચિ બનાવવાની છે ચિત્રમાં બગીચાનું ચિત્ર દેખાય છે બગીચાની બાજુમાં કાર છે સ્કૂટર દેખાય છે હવાઈ જહાજ હેલિકોપ્ટર ટ્રેન બરાબર એ બધું દેખાય છે તો નીચે અને ફૂલો પણ દેખાય છે જો બગીચામાં કયા કયા ફૂલ દેખાય છે તો જાસૂદ છે ગેંદા છે જાસૂદને હિન્દીમાં ગુડહલ કહેવામાં આવે છે આપણે ગુડહલ લખવાનું સૂરજમુખી ગેંદા એ બધા ફૂલ દેખાય છે તો તમારે આવ્યો છે સવાલ નંબર 1 કે ચિત્રના આધારે ચિત્ર દેખકર પૂરક કે નામની સૂચિ સૂચિ એટલે યાદી ચિત્ર દેખકર નામની સૂચિ તો પહેલા આવશે પહેલા સ્લાઇડમાં લખના જો જગ્યા વધારે નથી એટલે આપણે વિતરણ લખશું ગેંદા ગુડહલ ગુડહલ અને સૂરજમુખી તો આ નામ સૂરજ નીચે સવાલ છે ચિત્રમાં નહીં હે એસે પૂર્ણ કે સૂચિ તો ગુલાબ ગુલાબની હે દેખો ઓર મોગરા ગુલાબ મોગરા ઓર કોણ નહીં હે ઓર હે કોણ નહીં હે તો કમલ કમલ કા પણ નહીં દેખાઈ દે રહા હે બરાબર इस तरह हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन कौन से फूल है और कौन से नहीं है और अभी देखो पेज नंबर 2 पीछे पेज नंबर ये कार्ड होगा इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में हमें रिक्शा और बस दिखाई दे रही है तो देखो बस चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें हमें सूची बनानी है देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है तो चित्र में हमें रिक्शा और बस रिक्शा और बस दिखाई दे रही है बराबर और दूर दूर नौका भी दिखाई दे रही है बराबर अब देखो उन यातायात साधनों के नाम लिखो जो चित्र में नहीं है इस जिस जो चित्र में नहीं है उसके हमें नाम लिखने तो देखो दो पहिया चित्र में नहीं है तो चित्र में कौन नहीं है चित्र में कौन से यातायात के साधन नहीं है बराबर तो दूसरा नाम लिखने स्कूटर स्कूटर नहीं दिखाई दे रही है साइकिल भी नहीं है बराबर तो साइकिल भी नहीं है ये सब नहीं दिखाई दे रहा अब देखो पेज नंबर 3 के यातायात के साधनों के नाम कितने हैं इस दो साधन को कितने पहिए होते हैं बराबर पहिए पहियों के नाम पहिए कितने पहिए वाले साधन हैं दो पहिए वाले साधन कौन से होते हैं दो पहिए वाले साधन हैं साइकिल और कौन होता है स्कूटर कार निकाल टांगा और बैलगाड़ी बैलगाड़ी इन लोगों के दो दो पहियों के साधनों के नाम तीन पहिये वाले कौन होते हैं तीन पहिये वाले सिर्फ साइकिल होती अभी चार पहिया वाले साधन कौन से हैं चार पहिया वाले साधन में कार ट्रैक्टर और जीप
चार से अधिक, चलो चार से अधिक कौन से है साधन, बराबर चार से अधिक कौन से साधन है उसके हम नाम लिखने हैं। तो चार से अधिक कौन होते हैं, चार से अधिक ट्रक, बस और ट्रेन के भी चार से अधिक पहिए ये होते हैं। रेडी, अब हमें लिखना है सड़क, नीचे देखो सड़क पर चलने वाले यातायात के, सड़क पर कौन चलता है, सड़क पर स्कूटर, बस, रिक्शा, साइकिल जैसे साधन यातायात के सड़क पर चलते। रेडी, अब है हवा में उड़ने वाले, हवा में कौन उड़ता है, हवा में हवाई जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। रेडी, हेलीकॉप्टर। रेडी, अब पानी में चलने वाले, पानी में कौन कौन चलता है, तो पानी में नौका और जल या, इस तरह से हमने देखा कि सड़क पर कौन चलते हैं, कौन से साधन चलते हैं, यातायात के हवा में कौन से उड़ते हैं, बराबर पानी में कौन से चलते हैं। तो हमने आज सीखा कि चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, उसमें से हमने सब साधनों के नाम लिखे हैं। तो जो हमने आज पेज नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा है वो घर जाके सबको याद करना है, टीचर ने जो पढ़ा है एक बार याद करके हमारे इस हिंदी के पाठ्य पुस्तक में हमें लिखना है, जो बाकी है वो सब लिख डालो। अभी सब जो टीचर ने पढ़ाया है वो सबको याद करना है, और नेक्स्ट पीरियड में अगले लेक्चर में हमें फिर से चैप्टर नंबर 1 यातायात, हमारा विषय है हिंदी, और हम भाग दो लेकर फिर से आएंगे। तो हमें आप यही अपना चैप्टर पूरा करती हूँ, कल फिर से मिलेंगे इसी समय।